नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवनील दास और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सी शार्प विनफॉर्म में मेन्यू स्ट्रिप कैसे यूज़ करते हैं। तो मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है अपने सी शार्प विनफॉर्म में, जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसका नाम दिया है मैंने मेन्यू स्ट्रिप। तो ये आप मेरे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में देख सकते हैं और ये मेरा खाली फॉर्म है। तो मेन्यू स्ट्रिप होता क्या है पहले उसके बारे में बताऊँगा। तो हम अब अपने नोट पैड पर जाते हैं। आप सब ने इसका यूज़ किया होगा बहुत। तो मेन्यू स्ट्रिप है क्या, जो आपको ये जो फाइल एडिट ये सब जो दिख रहा है इसे हम मेन्यू स्ट्रिप कहते हैं। तो इस स्ट्रिप का ठीक यूज़ हम अपने प्रोग्राम में भी करेंगे। तो अभी ये मैं अपने प्रोग्राम में वापस आया, अपने फॉर्म को रिसाइज कर दिया मैंने, फिर मैं टूल बॉक्स पे गया। टूल बॉक्स पे जाके मैंने मेन्यू स्ट्रिप को सर्च किया और उसको अपने फॉर्म में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। तो आप देख सकते हैं एक नीचे एक वैल्यू आ जाती है, आइटम आ जाता है एक, और एक जैसे ही आप इसको डीसिलेक्ट करेंगे तो वो ऊपर से गायब हो जाता है। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे टाइप हेयर करके कुछ लिखा हुआ आता है। तो ये रीज़न ये है कि ये आपको बिल्कुल वैसे ही ऑप्शन मांगेगा जैसे उसमें मांगता है। तो हम लोग लिख देते हैं फाइल, जैसे फाइल के अंदर हमेशा एग्जिट होता है, तो एग्जिट, फिर आपके पास ओपन होता है ओपन, फिर आपके पास सेव होता है सेव कर लीजिए। तो अब मान लीजिए फिर यहाँ पे आता है अबाउट, फिर हम क्या करेंगे कि अब मान लीजिए मैंने इसे क्लिक किया तो ये कैसे काम करेगा। तो मैं आपको एग्जिट वाले एग्जाम्पल के साथ दिखाना चाहूँगा। तो पहले मैंने क्या किया, इस एग्जिट को सिलेक्ट किया और डबल क्लिक कर दिया इसके ऊपर, तो ये आपको एग्जिट टूल स्ट्रिप के मेन्यू आइटम के क्लिक इवेंट पे ले आएगा आपको। तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे, दिस डॉट क्लोज, और इसमें ये एक फंक्शन है तो ये इस तरह यूज होगा। और आप देख सकते हैं कि दिस मतलब क्या है कि ये आपके फॉर्म की बात कर रहा है, जो फॉर्म में आप एग्जिस्ट करते हैं, तो मतलब जिस फॉर्म में आप इसको लिख रहे हैं। नहीं तो आप इसको सिंपल ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बट इसका यूज़ ज़्यादातर यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हमें समझ में आए कि हम किस वाले क्लोज, किस फंक्शन क्लोज को यूज़ कर रहे हैं। तो अब इसे मैं वापस लिख दूँ, एक मैं इस वाले को मैं मिटा दूँगा और सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद मैं अपने फॉर्म में वापस जाऊंगा और इसे रन कर दूंगा। रन करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे फॉर्म में भी ठीक वैसा ही सिस्टम आ गया जैसे उसमें भी था नोट पैड में आपके। जैसे मैं एग्जिट दबाता हूं तो मेरा फॉर्म क्लोज हो जाता है। और मैं इसी तरह, अगर मेरे को सिर्फ अबाउट चाहिए, इसके अंदर कुछ लिखा नहीं है, तो मैं इस अबाउट पर डबल क्लिक करूँगा, फिर मेरे को ये मैं क्लिक इवेंट पर ले आएगा, फिर मैं इसमें लिख दूंगा मैसेज बॉक्स डॉट शो, इसमें लिख दूंगा Created by NTTex, और फिर मैं इसे सेव करके प्रोग्राम को रन करूँगा। तो प्रोग्राम को रन करते ही मैं जैसे ही अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे दिखा देता है मैसेज बॉक्स क्रिएटेड बाय NTTex। और ठीक, आप इसी तरह यूज़ कर सकते हैं इस मेन्यू स्ट्रिप को। तो अब हम बात करेंगे कि हमारे मेन्यू स्ट्रिप जो है वो आपने नोट पैड में देखा था कि आपके, मैं आपको दिखाना चाहूँगा पहले कि आपके यहाँ पे ये ग्रे कलर की लाइनिंग नहीं थी, तो हम उसको यूज़ कैसे करें। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि इसके प्रॉपर्टीज़ में जाना है। इसके प्रॉपर्टीज़ पे जाते ही आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा रेंडर मोड, तो रेंडर मोड में जाके आप इसे सिस्टम में चूज़ कर ले और फिर आप इसे सेव कर ले और इसको प्रोग्राम को रन कर ले। तो जैसे ही आप प्रोग्राम रन करेंगे आप देख सकते हैं कि आपका वो ग्रे लाइन हट चुकी है और बिल्कुल आपके नोटपैड जैसा सिस्टम हो चुका है। तो आप अपने आप खुद इस्तेमाल करें और खुद यूज़ करके सीखें, और आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करें। सो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको एक नीचे छोटा सा रेड रंग का बटन दिखाई देगा जिस पर सब्सक्राइब लिखा होगा, तो उसे क्लिक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और इस चैनल पे आपको हमेशा एक प्रोग्राम, हर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आपको वीडियो मिलेंगी, टेक से रिलेटेड या कोई भी क्रैक या हैक से कुछ, कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ों पे आपको वीडियोस मिलेंगी। सो अगर आपको कोई प्रोग्राम बनाना है सी शार्प, सी प्लस प्लस, PHP और HTML से रिलेटेड, तो आप इन सब लिस्ट में मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपके प्रोग्राम में हेल्प कर दूँगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई मनी नहीं। आपको एक वीडियो बना के, बस YouTube में वीडियो बना के ऐड कर दूंगा और आप उस वीडियो को देख के समझ सकते हैं। सो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, तो सब्सक्राइब करना मत भूलें।